आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जेल में रहेंगे या फिर आज बाहर आ जाएंगे, इस बात का फैसला हो जाएगा। चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले पर आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी। लालू को उम्मीद है कि टूजी और आदर्श घोटाला के आरोपी बच गए तो वो भी बच जाएंगे। आज अदालत में लालू यादव की किस्मत का फैसला होना है। दरअसल चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार मामले पर सीबीआई की विशेष अदालत का आज फैसला आने वाला है। टूजी और आदर्श घोटाला मामले में हाल ही में आए फैसलों से आरजेडी सुप्रीमो और चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चारा घोटाले में भी उनके पक्ष में ही फैसला आने वाला है। टूजी मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया और शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले में कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान पर केस चलाने की अनुमति देने वाले राज्यपाल के आदेश को खारिज कर दिया है। लिहाजा लालू यादव की उम्मीद बढ़ गई है। भरोसा टूजी के तरह अशोक चौहान को जैसे हुआ है हम लोग को भी मिलेगा। न्यायपालिका पर भरोसा है, हायरार्की है, हम सब केस में बेल पर है। देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए तो उन्हें तुरंत जेल जाना पड़ सकता है। सीबीआई अपनी जांच में लालू यादव को पहले ही दोषी करार दे चुकी है। आज कई वर्षों के बाद नोएडा में उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री आ रहा है। दरअसल नोएडा नहीं आने के पीछे एक अंधविश्वास है कि नोएडा आने से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है, लेकिन योगी आज नोएडा में पीएम मोदी के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 दिसंबर को नोएडा में कार्यक्रम है। उससे पहले आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा आ रहे हैं। आज बागपत में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री नोएडा पहुंचेंगे और 25 दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। आज सीएम योगी का हेलीकॉप्टर बॉटनिकल गार्डन में बनाए गए हेलीपैड पर लैंड करेगा। यहां से वो अमेठी यूनिवर्सिटी जाएंगे। नोएडा एसएसपी लव कुमार ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए तैयारियों के बारे में बताया। जो भी आगमन है उससे पर्याप्त समय पहले हम लोग अपना पुलिस बल की ड्यूटीज लगा देंगे और रोड ड्यूटीज वगैरह वो सब पूरी तरह हम लोगों की चुस्त दुरुस्त और समय से उपस्थित रहे। गुजरात में हार की समीक्षा की जिम्मेदारी इस बार खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ली है। इसके लिए राहुल आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे। दौरे से पहले राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि अगर बीजेपी के पास कोई फिल्म फ्रेंचाइजी होती तो उसका नाम लाई हार्ट होता। गुजरात चुनाव में मिली हार के बाद आज पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। सबसे पहले वो सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल सोमनाथ मंदिर गए थे, जिसको लेकर खूब विवाद भी हुआ था। सोमनाथ के बाद राहुल गांधी अहमदाबाद जाएंगे, जहां वो पार्टी के विधायकों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का गुजरात में पार्टी के नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकात का भी प्लान है। इससे पहले अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक में राहुल ने बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी का पूरा जो फाउंडेशन है वो झूठ का फाउंडेशन है। चाहे आप 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने की बात देखें, चाहे आप किसान को सही दाम देने की बात देखें। गुजरात के लिए नए मुख्यमंत्री के तौर पर विजय रूपाणी को चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में रूपाणी को विधायक दल का नेता चुना गया। नितिन पटेल नई सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। विजय रूपाणी फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। गांधीनगर में बीजेपी के केंद्रीय प्रवेशकों की मौजूदगी में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें पार्टी का नेता चुना गया। नई सरकार में भी नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री बनेंगे। सोमवार को आए गुजरात चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 182 में से 99 सीट हासिल की थी। विधानसभा भंग होने के बाद कल रूपाणी ने राज्यपाल ओपी कोहली को अपना इस्तीफा सौंपा था। गुजरात की जनता को भरोसा देता हूं कि आने वाले 5 साल उनकी आशा अपेक्षा सपना उनको हम पूरा करेंगे। माना जा रहा है कि 25 दिसंबर को नई सरकार शपथ लेगी। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी की आपसी कलह खुलकर सामने आ गई है। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री पर सस्पेंस अभी तक कायम है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे जयराम ठाकुर के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहमत नहीं है। शिमला में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के दौरान धूमल समर्थकों ने उनके पक्ष में नारेबाजी की। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने नारेबाजी को लेकर नाराजगी जताई। किसी व्यक्ति विशेष के हक में नारे लगाना अनुशासनहीनता है। अगर मैं पार्टी का कोई अध्यक्ष होता
तो इस समय तक ऐसे नारे लगाने वाले कुछ लोगों को पार्टी से निकाल दिया होता। दूसरी तरफ जयराम ठाकुर ने प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। पार्टी हाईकमान भी धूमल को मनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक धूमल को राज्यसभा भेजने या राज्यपाल बनाने का भरोसा दिया गया है। बीजेपी ने धूमल को सीएम उम्मीदवार बनाकर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन धूमल चुनाव हार गए। इसी वजह से नए नेता की तलाश की जा रही है। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 16 जनवरी को चुनाव होंगे और इसी दिन नतीजों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की 3, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की एक एक सीट पर 16 जनवरी को चुनाव होगा। दिल्ली की 3 सीटों पर राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 27 जनवरी 2018 को पूरा हो रहा है। दिल्ली से कांग्रेस के जनार्दन द्विवेदी, डॉक्टर कर्ण सिंह और परवेज हाशमी राज्यसभा सदस्य हैं। वहीं यूपी की राज्यसभा सीट से बीजेपी नेता मनोहर पर्रिकर ने इस्तीफा दिया था। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के राज्यसभा सदस्य हिशे लाचुंगपा का कार्यकाल 23 फरवरी 2018 को पूरा होगा। 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 29 दिसंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी होगी। इसके अगले ही दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 8 जनवरी है। भारत में अमेरिकी दूतावास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में शोले फिल्म का गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल एक संदेश है ये कि 2017 की तरह 2018 में भी अमेरिका और भारत की दोस्ती बनी रहेगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यरूशलम के मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ वोट दिया। उसके बाद कल शाम भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में फिल्म शोले के एक गाने का इस्तेमाल किया गया, जिसके बोल थे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। फिल्म शोले में जय और वीरू ने एक दूसरे के लिए गीत गाया था और अमेरिका ने दोस्ती के उस अटूट बंधन को भारत और अमेरिका के रिश्तों के साथ जोड़ने की कोशिश की है। इस वीडियो का संदेश ये है कि वर्ष 2017 की तरह 2018 में भी भारत और अमेरिका की दोस्ती इसी तरह कायम रहेगी। सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने पाकिस्तान को कड़े लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने से बाज आए। जनरल रावत ने जैसलमेर में हो रहे युद्धाभ्यास के दौरान ये बात कही। सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर कड़ा जवाब दिया है। जनरल रावत ने कहा कि पाकिस्तान से तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक उसकी तरफ से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाई जाती। एकजुट होकर हम जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें हमें अच्छी सफलता मिली है और ये कार्रवाई आगे के दिनों में जारी रहेगी। जनरल बिपिन रावत राजस्थान में चल रहे युद्धाभ्यास में शामिल हुए थे। भारतीय थल सेना और वायुसेना ने एक साथ मिलकर जैसलमेर और बाड़मेर के रेगिस्तान में युद्धाभ्यास किया, जिसमें करीब 20,000 सैनिकों और एयरफोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया। हमेशा विजय नाम के युद्धाभ्यास में भीष्म T-90 टैंकों के साथ ही एयरफोर्स के पैराट्रूपर्स ने भी अपना शौर्य प्रदर्शित किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अब्दुल माजिद लारमी ने जम्मू कश्मीर के आतंकियों के बारे में विवादित बयान दिया है। दक्षिणी कश्मीर के होमशेली बग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अब्दुल मजीद लारमी के मुताबिक न सिर्फ बुरहान वानी बल्कि ऑपरेशन ऑल आउट में मारे गए सभी आतंकी शहीद हैं। जब से बुरहान वानी शहीद हो गए उसके बाद से आज तक 250 से ज्यादा हमारे बच्चे शहीद हो गए। लारमी ने आतंकियों की मौत के लिए सीएम महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार ठहराया। उसको नागपुर से जो डायरेक्शन है, नागपुर से वो जहाँ पे उसको सारे आदेश मिलते हैं तो उसके बलबूते पर वो काम करते हैं। ये पहला मौका नहीं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद राणा ने सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी अक्सर देश के खिलाफ विवादित बयान देते रहते हैं। दिल्ली के एक आश्रम में लड़कियों से रेप के आरोपी बाबा को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है। कोर्ट ने बाबा को हाजिर होने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिणी में आध्यात्मिक आश्रम चलाने वाले वीरेंद्र देव दीक्षित को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। साथ ही आरोपी के 8 दूसरे आश्रमों की तलाशी का भी आदेश दिया है जो दिल्ली में है। दिल्ली में 8 आश्रम और हैं, उस पर भी आज कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो कोर्ट की कमेटी है, कि वो जाके इंस्पेक्शन करें और उसकी रिपोर्ट बनाएं और पुलिस उनकी मदद करेगी। दिल्ली के रोहिणी में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से चलाए जा रहे आश्रम से कल पुलिस ने 41 लड़कियों को छुड़ाया था। आरोप है कि लड़कियों को नशीले इंजेक्शन के जरिए बेहोश करके रखने के साथ ही जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। एक समय से भगवान को मतलब साइन के साथ उनको समर्पित करते हैं कि हम पूरे तरह से अब समर्पित हो चुके हैं, तो फिर यहाँ पर सरेंडर हो चुके हैं। मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं 1999 में चली थी। आरोपी वीरेंद्र देव दीक्षित पर 1998 में यौन शोषण के आरोप लगे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
हाईकोर्ट ने आश्रम से 10 दिन में जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद फरार बाबा वीरेंद्र देव के दूसरे आश्रमों पर भी छापेमारी शुरू कर दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजय विहार में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम पर रेड के बाद अब मोहन गार्डन के आश्रम पर पुलिस ने छापा मारा है। दिल्ली पुलिस के साथ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल अपनी टीम लेकर यहां पहुंची और 21 महिलाओं को रेस्क्यू कराया। स्वाति मालीवाल ने बताया कि 21 में कुछ नाबालिग लड़कियां भी हैं, कुछ तो दिमागी रूप से कमजोर भी हैं, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। यहां पे भी महिलाएं बच्चियों को तालों के अंदर बंद रखा हुआ है। यहां पे जब हमने बात करी तो हमने ऐसी बहुत महिलाएं देखी, बहुत बच्चियां देखी हैं, जो मुझे लगता है कि सीधी सीधी नाबालिग है। मोहन गार्डन के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने हैरानी जताई है। आज तक ये बात नहीं सुनी कि भाई ऐसी कोई हरकत वाली बात हो रही है, ना हम कभी इस आश्रम में आई, हमने कभी आज तक ऐसा देखा भी नहीं कि यहाँ पे कोई लड़कियां वगैरह कोई जाती हूँ। हाँ, ना इन्होंने आज तक कोई प्रचार किया। यूपी के बस्ती में भी एक बाबा पर आश्रम में युवतियों से यौन शोषण का आरोप लगा है। बस्ती जिले के सत्यलोक आश्रम से जान बचाकर भागी चार युवतियों ने बाबा सच्चिदानंद उर्फ सदानंद के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सत्यलोक रिलीजियस ट्रस्ट के नाम से चल रहे बाबा के आश्रम से भागी साधियों का आरोप है कि उन्हें बंधक बनाकर रेप किया जाता था। नहीं चाहने पर भी बलात्कार किया जाता है। बाबा ही तब तक हमारे साथ तो बाबा ही करते रहे, जो बस्ती मेरे साथ घटना घटी वो चार लोगों ने मिलकर किया। आरोपों के मुताबिक आश्रम में यौन शोषण का विरोध करने पर लड़कियों को मारा पीटा जाता था और जो मना करते थे, जो विरोध करते थे, उसे मारते पीटते थे। इसीलिए हम माँ बाप के बच्चे थे। पुलिस के मुताबिक कई टीमें बाबा सच्चिदानंद की तलाश में लगा दी गई हैं। बाबा के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुकदमा तुरंत दर्ज कर लिया गया, सबके शिकायत पर दोनों का मेडिकल कराया गया है। दोनों का बयान पुलिस के समक्ष और मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित किया जा चुका है। बाबा सच्चिदानंद के दिल्ली, कोलकाता, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में आश्रम है। गाजियाबाद की एक शादी में हिंदू रक्षा दल के लोगों ने जमकर हंगामा किया। गाजियाबाद के कवीनगर इलाके में एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी के मौके पर खूब हंगामा हुआ। हिंदू रक्षा दल के लोगों ने शादी रोकने की मांग की। विरोध बढ़ने के बाद पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। हिंदू रक्षा दल ने मामले को लव जिहाद बताया और पुलिस से जांच की मांग की। इंक्वायरी करें, वैसे भी नियम ये है जब तक डीएम की परमिशन नहीं होगी शादी नहीं कर सकते दूसरे धर्म के साथ। वो गए थे परमिशन देखे उनसे। गंगा स्वच्छता अभियान नमामि गंगे के तहत केंद्र सरकार आज गंगा ग्राम योजना की औपचारिक शुरुआत करेगी। केंद्र सरकार की गंगा ग्राम योजना का लक्ष्य गंगा के किनारे बसे गांवों की पूरी तरह साफ सफाई है। अगस्त में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 4,470 ऐसे गाँव को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था जो गंगा किनारे बसे हैं। इनमें से 24 गाँव को गंगा ग्राम बनाने के लिए पायलट परियोजना के तहत लिया जाएगा। आज गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन में इस योजना की शुरुआत होगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सुसाइड करने वाला छात्र रोहित वेमुला दलित नहीं था। साइबराबाद पुलिस ने इस बात पर मुहर लगा दी। साइबराबाद पुलिस को राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट मिल गई है। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर संदीप शांडिले ने कहा कि रोहित वेमुला ऐसी श्रेणी से था या नहीं, ये जानने के लिए उन्हें राजस्व विभाग की रिपोर्ट का इंतजार था और इसी वजह से जांच में देरी हुई। हालांकि अभी रिपोर्ट मिल चुकी है। The report has come from collector that he does not belong to SC community. We have written to the government. Once we get the clarification, the case will be see finalization. इससे पहले प्रशासन ने भी अपनी जांच के बाद कहा था कि रोहित वेमुला दलित नहीं है। मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति अप्पा राव के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। 31 अक्टूबर की रात भोपाल में एक लड़की से गैंगरेप के मामले में विशेष अदालत आज अपना फैसला सुनाए। भोपाल के हबीबगंज इलाके में पीएससी की तैयारी कर रही एक लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आरोपियों के वकील और सरकारी वकील की बहस के बाद विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में जीआरपी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 31 अक्टूबर की रात जब पीड़ित छात्रा कोचिंग से निकलकर भोपाल रेलवे स्टेशन जा रही थी, इसी दौरान चारों आरोपियों पर छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। 1 नवंबर को FIR दर्ज करने से पहले पीड़िता को पुलिस अधिकारियों ने करीब 10 घंटे तक घटनास्थल और थाने के चक्कर लगवाए थे। मुंबई में एक अनोखा रेस्टोरेंट खोला गया है। इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी लोग दिव्यांग हैं।
मुंबई के पवई इलाके में मिर्ची एंड माइम नामक रेस्टोरेंट शुरू किया गया है। इसमें काम करने वाले 50 स्टाफ दिव्यांग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सुन और बोल नहीं सकते। रेस्टोरेंट में काम करने वाले स्टाफ साइन लैंग्वेज के जरिए बातचीत करते हैं और वो फर्स्ट डेस्क से लेकर रिसेप्शन, बारटेंडिंग, कैशियर तक के हर काम बखूबी अंजाम देते हैं। रेस्टोरेंट के मालिक के मुताबिक उन्हें ऐसा करने का आइडिया कनाडा के एक रेस्टोरेंट से मिला। ये तो एकदम रेडी थे, रेडीमेड थे। हमको बस थोड़ा सा ट्रेन करना था, उनको बताना था क्या करना है, कैसे करना है, और वो लोग दे हिट द ग्राउंड रनिंग। आतंकवाद को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ठन गई है। अमेरिका ने आतंकियों को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी तो पाकिस्तान ने भी पलटवार कर दिया। आतंकी संगठनों को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराने के लिए पाकिस्तान को नोटिस पर रखे जाने वाले अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बयान का पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि सहयोगी एक दूसरे को नोटिस पर नहीं रखते। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैजल ने ट्वीट कर बयान जारी किया है। नशीली दवाओं के उत्पादन में वृद्धि, गैर शासित क्षेत्रों के विस्तार, औद्योगिक भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार वजहों को नोटिस पर रखा जाना चाहिए। शांति और मेल मिलाप पर ध्यान देना चाहिए। अंततः दोषारोपण को नोटिस पर रखा जाना चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने अफगानिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। बगराम एयरबेस पर अमेरिकी सैनिकों से पेंस ने कहा, लंबे समय से पाकिस्तान तालिबान और दूसरे आतंकवादी संगठनों को पनाह देता रहा है, लेकिन अब वे दिन लद गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को नोटिस पर रखा है।